लेकिन इनकी जैसी मैंने भाई साहब ट्रे उठाई, ये देखें हमारी भाई फिंच ने एक अंडा दिया हुआ दोस्तों, यहाँ से ना अंडे फेंक दिए उसने, ये भी है यहाँ पे भी पड़ा है। कुल्स ने भाई साहब नीचे से खा लिए, अपना नेस्ट लगाया था ना यहाँ पे खुफिया नेस्ट, मुझे लग रहा है कुल्स हमारे ना इसके अंदर जा रहे हैं, मैंने एक तो दफ़ा इनको देखा था अंदर जा रहे थे यूं करके, तो वो भाई साहब पिंजरे के पीछे फंसा हुआ था और उसकी हुई भी थी। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो आज मैं पता क्या करने लगा हूँ भाई, आज हम देखने लगे हैं क्या हमारे पिजन्स ने बच्चे निकाली हैं या नहीं निकाली है, क्योंकि यार काफ़ी टाइम हो गया और मुझे लग रहा है कि शायद निकल आए हो, पता कोई नहीं, चेक कर लेते हैं। तो आ जाए, सबसे पहला काम हम यही कर लेते हैं। हाँ भाई, तुमने निकाले अपने बच्चे, हाँ भाई दिखा दो यार। बिस्मिल्लाह, इन्होंने तो यार लेट दिए थे, नहीं इनके तो सब बच्चे नहीं निकले, अब हम इनके देख लेते हैं क्योंकि इन्होंने पहले अंडे दिए थे। इसको मैं देखूं कैसे यार। हाँ भाई, बच्चे निकले तुम्हारे? अरे गुस्सा कर रहा है भाई तो। चले मैं देख लेता हूँ इसके बच्चे निकले हैं या नहीं निकले। ओए बिस्मिल्लाह, नहीं इसके भी दोस्तों भी बच्चे नहीं निकले भाई। चलो ठीक है, अच्छी तरह अंडों की क्लीनिंग करो, इनको अंडों को इनको वेट करो और इंशाल्लाह जल्दी जल्दी बच्चे निकालो यार, ताकि तुम लोगों के बच्चे भी हम लोग देख सकें। और हमारे दोस्तों रैबिट्स ना यार यहाँ पे बैठे लूसन खा रहे हैं, इनको मैं यहीं पर डाल दिया था और यार मुझे टेंशन पड़ी है अपने रैबिट्स की, क्योंकि इनका ये जो मसला यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इनका यार जो ड्रॉप्स मैं इनको डाल रहा था ना, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे लग रहा है कुछ और ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ये ना हो कि भाई हमारे दोनों रैबिट्स जो है ना, मैं उनको जो है ना कोई मसला हो जाए। ये देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, इनका इन्फेक्शन यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मैं जो हूँ ना भाई परेशान हो रहा हूँ कि इनको करूँ क्या। तो आज जो है ना मैं इनको डॉक्टर के पास, आप लोग कह रहे थे जैन भाई इनको डॉक्टर के पास लेके जाएं, तो मैं कुछ इस तरह ही करूँगा, इनका कुछ ना कुछ करना यार, वरना इनका जो है ना और ज़्यादा अगर बिगड़ गया ना तो इनकी डेथ भी हो सकती है दोनों की। वो वाला रैबिट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन दोनों को कुछ ज़्यादा ही मसला हुआ। और माशाल्लाह हमारी डब्स की एवरी में दोस्तों बिल्कुल पुरसकून माहौल हुआ हुआ है, क्योंकि यार आप लोगों को पता है जब भी मैं यहाँ पे आता था ना, आपस में इनके फड्डे चल रहे होते थे, वो उसके साथ हुआ हुआ है, वो उसके साथ एक दूसरे को तंग कर रहे होते थे, लेकिन अब देखें माशाल्लाह कितना पुरसकून माहौल हुआ हुआ है और कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, आराम से रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं। दोनों की दोनों फीमेल दोस्तों बाहर आई हुई हैं, ये देखें आप लोग हैं, नहीं नहीं शायद हाँ, ये वाली भी दोस्तों फीमेल है और ये वाली भी फीमेल, मतलब दोनों फीमेल नीचे घूम रही थी और दोनों मेल इस टाइम अंडों को इनक्यूबेट कर रहे हैं, तभी भाई ऐसा एवरी के अंदर ना रिलैक्स मोड हुआ हुआ है, वरना अभी जो है ना इनके मामला जो से ना चल रहे थे, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने भी अंडे दिए हुए हैं और इसने भी यार मुझे लगता है दूसरा अंडा दे दिया होगा कि मैंने चेक ही नहीं किया भाई। और दुआ कीजिएगा यार इंशाल्लाह इनके जल्दी जल्दी दोस्तों बच्चे निकल आए तो मज़ा आ जाएगा, और दुआ ये भी कीजिएगा कि अंडे भी अनफर्टाइल हो भाई, क्योंकि आप लोगों को पता है पहले जो थे ना अंडे अनफर्टाइल थे। यार ये पैंथर रोज़ यहाँ क्यों आ जाता है भाई, क्या हुआ भाई? वो दास हो है, वो कह रहा है भाई मुझे न्यू मुर्गी चाहिए भाई, क्योंकि पैंथर दोस्तों बहुत अकेला हो चुका है, ये देख रहे हैं आप लोग किस तरह बैठा हुआ है। अरे यार बाहर आओ तुम, कुछ नहीं हो रहा, तुम्हें बहुत जल्द जैरी से मिलोगे इंशाल्लाह। जैरी बल्कि ये बैठा हुआ है यहाँ पे भाई, ये इसलिए उदास हुआ हुआ है क्योंकि भाई ये इसकी जो ब्लैकी है वो अंडों को इनको वेट कर रही है और जैरी जो है वो चिक्स के साथ है, तो चिक्स के साथ अभी हम अलहदा भी नहीं कर सकते क्योंकि रात के टाइम ना बहुत ज़्यादा दोस्तों ठंड हो जाती है, तो सिर्फ चिक्स को अभी अलहदा करना नामुमकिन वाली बात। पैंथर के लिए मुझे लग रहा है न्यू मुर्गी का इंतखाब करना पड़ेगा। दोपहर के टाइम सारे के सारे तोते खा पी के चिल माहौल में देखे कैसे सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, और देखें माशाल्लाह इनकी वॉइस सुने आप लोग यार, माशाल्लाह बिल्कुल सारे रिलैक्स हुए हैं, किसी की भाई ये जो है ना बड़े चिल माहौल में बैठे हैं इस टाइम, सारे के सारे अंडों को इनक्यूबेट कर रहे हैं, तो माशाल्लाह से यार सारे के सारे अपने अपने घरों में। लेकिन यार एक बहुत बड़ा मसला हो गया, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्या हमारी तोती ने जो है ना दोस्तों अपने सारे के सारे अंडे बाहर फेंक दिए हैं, अब मुझे नहीं पता इसने क्यों फेंके हैं। क्या हुआ भाई, मुँह मुँह क्यों कर रहे हो? वो चाह रहा है मैं उड़ूँ थोड़ा सा ऊपर फ्लाई करूँ, तो अभी दोस्तों अंदर चलते हैं आप लोगों को सारी कहानी बताता हूँ। मैं दोस्तों आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यार हुआ दरअसल क्या है भाई साहब, हुआ कुछ यूँ है कि जब मैं सुबह के टाइम आया तो भाई यहाँ पे तोते तो थे नीचे भाई साहब अंडे पड़े, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई सारे के सारे अंडे भाई साहब इन्होंने फेंक दिए यार, पता नहीं क्यों फेंके, अली भाई भी परेशान हो गए कि यार ये हुआ क्या है, मैं आप लोगों को दिखाऊँ।
मुझे तो लग रहा है रंडे ना खराब थे, बच्चे सच्चे मुझे लग रहा बन के अंदर ही मर गए थे, और इसने इसको पता चल गया और इसने तो ना अंडे फेंक दिए अपने। ये भी है, यहाँ पे भी पड़ा है, कुछ ने भाई साहब नीचे से खा लिए। ये देखें यहाँ पे पड़े हुए अंडे, ये देखें कीड़ियाँ आई हुई भाई साहब, ये अंडा पड़ा हुआ है, ये खोखले अंडे लग रहे हैं सारे, कैसी है हैं सारे के सारे अंडे जो हैं दोस्तों इसने बाहर फेंक दिए। अब मैं देखता हूँ कि मुझे नहीं लगता कोई अंडा अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन हम जो है ना चेक कर लेते हैं कि भाई साहब क्या सीन है। बिस्मिल्लाह, और ये देखे देखा दोस्तों, अब जो है ना ये इसकी मटकी खाली हो चुकी है और अब ये देगी भाई साहब न्यू अंडे। अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि भाई कितने अंडे जो हैं ये देगी, क्योंकि ये अंडे जो थे ना ख़राब हो गए, अब इसकी वजह नहीं मुझे पता क्या हुआ। खैर हम चलते हैं आगे वाली एवरी में, और वहाँ पर भी एक आपको दिखाता हूँ भाई साहब। सारे दोस्तों पैरट्स हमारे लाइन वाइज यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इसके अंडे मैं चेक कर लेता हूँ कि दोस्तों कितने हो गए हैं। हाँ भाई कितने अंडे दे दिए तुमने? अरे साइड पे हो जाओ थोड़ा यार, ये सोती ना काटती है। अरे अंडे इसने सच दिए ही नहीं, एक अंडा दिया था, इसने भी अंडा नीचे फेंका हुआ था। कल जो दोस्तों हमने अपना नेस्ट लगाया था ना यहाँ पे खुफिया नेस्ट, मुझे लग रहा है कूल्स हमारे ना इसके अंदर जा रहे हैं, मैंने एक तो दफ़ा इनको देखा था अंदर जा रहे थे यूँ करके ना। तो और आप लोग देख रहे होंगे फिंचेस का घर दोस्तों नीचे क्यों रखा हुआ है, ये तो भाई सब यहाँ पर हुआ करता था लेकिन अब नीचे है। तो भाई हमारा एक नुकसान हो गया, मैं सुबह के टाइम जब आया यार, सुबह सुबह ये सब कुछ देखने को मिलता है। सुबह जब मैं यहाँ आया दोस्तों, अचानक मेरी नज़र पड़ी कि भाई ये जो नेस्ट या जो पिंजरा हमने उठा के यहाँ पे लगाया हुआ था ना, इसके पीछे जो लास्ट टाइम हमारे चार बच्चे निकले थे ना, दो ग्रे के और दो रेड के, जो ग्रे के थे जो काफ़ी बड़े भी हो गए थे यार, उसका मैं आप लोगों को भाई भी दिखाता हूँ। ये बैठा हुआ देख रहे हैं आप लोग, इसका भाई था और इतना बड़ा हो गया था इसके जितना ही था वो, ठीक है। तो वो भाई साहब पिंजरे के पीछे फंसा हुआ था और उसकी हुई भी थी डेथ, मुझे लग रहा है वो रात रात में फंसा होगा और मुझे पता नहीं चला, और रात के अंदर अंदर जो है ना उसकी डेथ हो गई। तो इसे ये केज उठा के मैं नीचे रखा। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि यार ये लोग पीछे करने क्या जाते हैं, हालांकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऊपर बैठे रहते हैं, हो सकता है गिर गया हो। तो इसलिए जो था ना हमारा एक बेबी डव दोस्तों मर चुका है भाई साहब, हमारी डव्स की ब्रीड दोस्तों बढ़ने में नहीं आ रही यार, पता नहीं क्या वजह, अल्लाह ताला करम करे। तो बस दुआ कीजिएगा दोस्तों डायमंड डव्स की जो ब्रीड है ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पे देखें ये बंडे हैं, उनको इनको वेट कर रहे हैं ये भी, और वहाँ पे भी बैठे हुए, तो मैं इनको छेड़ ही नहीं रहा। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने के लिए दो चीज़ें बताएँ थी, एक बता दी और एक फिंचेस का भी आप लोगों को बताता हूँ। तो भाई जब मैं यहाँ पर दाना डालने के लिए आया ना, तो मटकी मैंने चेक की तो मटकी तो खाली थी, लेकिन इनकी जैसी मैंने भाई साहब ट्रे उठाई, ये देखें हमारी भाई फिंच ने एक अंडा दिया हुआ दोस्तों यहाँ पर, और ये अंडा बिल्कुल टूटा हुआ है साइड से, देख रहे हैं आप लोग। मैं एक दो दिन से नोट कर रहा था कि यार हमारी फिंचरा थोड़ी ढीली ढीली हुई भी आ रही है, तुम लोग नीचे क्या कर रहे हो बैठ के हैं? एक दो दिन से दोस्तों थोड़ी सी ना ये समझ रहे हैं आप लोग सुस्त हुई हुई थी, हो सकता है इसको कोई अंडा देने में मसला हो, तो इसने नीचे ही अंडा दे दिया, नेस्ट के अंदर नहीं दिया। क्या इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह फिर से ये अंडे दे देंगे। और माशाल्लाह ये देखें सारे के सारे धूप सेकने के लिए यहाँ पे आ गए, इस टाइम यार बड़ा ही रिलैक्स मोल दिल करते हैं यहीं पर बैठ रहे बंदा। बस यार ये दोस्तों हमारा नुकसान जो है वो हो गया है, और दुआ कीजिएगा कि दोस्तों जल्दी जल्दी जो है हमारे तोतों के भी बच्चे निकला है भाई, इसने भी अंडे दिए माशाल्लाह, उसने भी अंडे दिए हुए हैं, यहाँ पे अंडे आने वाले हैं, तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह खुशखबरी आ जाएंगी। बस यार किस्मत में दोस्तों जो होता है वो होना होता है, आप लोगों को पता है, और बस दुआ करनी चाहिए कि जल्दी जल्दी हमारे बर्ड्स जो हैं वो ठीक रहें और उनको कोई मसला ना हो, बच्चे सच्चे उनके ठीक रहें। तो बस चलते हैं दोस्तों एवरी से भाई ना, दोस्तों इनको दाना पानी डाला है माशाल्लाह, डायमंड अब देखें सारी की सारी नीचे उतर रही हैं और आके पानी पी रही हैं। ये पानी उठा लेता हूँ यहाँ पे डाल देते हैं, चलो भाई। तो बस यार ये कुछ कभी खुशखबरी मिलती है दोस्तों, कभी बैड न्यूज़ मिल जाती है, कोई बात नहीं यार इस तरह का सिलसिला चलता रहता है। तो यार ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद तो नहीं आई होगी, बस लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।